महिलाओं ने लिया बच्चा न पैदा करने का फैसला, मच गई है खलबली। जी हाँ दोस्तों, जलवायु परिवर्तन को लेकर के दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है, लेकिन इसको लेकर के कई कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। आने वाली पीढ़ियों को ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान उठाना पड़ सकता है। दुनिया में सूखे, अकाल, बाढ़ और ग्लोबल वार्मिंग का डर सता रहा है। ऐसे में यह होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सके। हिमालय में ग्लेशियर पर ग्लोबल वार्मिंग के असर का आकलन करने वाली एक टीम ने पाया है कि साल 2000 से लेकर के 2016 के बीच हर साल ग्लेशियरों की औसतन 800 करोड़ टन की बर्फ पिघल रही है। खतरनाक आंकड़ा इसके पीछे यह है जो कहता है कि इससे पहले 25 सालों यानी 1975 से लेकर के 2000 तक इस साल औसतन 400 करोड़ टन बर्फ पिघल रही है, लेकिन इसके बाद से 16 सालों में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार दुगनी हो चुकी है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने वाली एक संगठन की महिलाओं ने बच्चा न पैदा करने का फैसला लिया। ब्लाइथे पोम्पियो इस संगठन की प्रमुख है। उन्होंने साल के आखिरी में कहा था कि बच्चा न पैदा करने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि मैं बच्चा नहीं चाहती हूं। दरअसल यह दुनिया बच्चों के रहने लायक नहीं है। पोम्पियो ने साल 2018 में बर्थ स्ट्राइक नाम के एक ग्रुप का भी गठन किया था। इस संगठन में लगातार लोग जुड़ते रहे हैं। अब तक इस संगठन में 330 लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें से 80% महिलाएं हैं। दोस्तों यदि खबर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें।